नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस एसीडेटेक्स और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फ़िल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फ़िल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में हैं इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनस एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक अनुवाद होता है इस प्लेस। और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हज़ार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित 55.44 करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसीडेटे और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित तो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस। सुवाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसिडेटिक्स स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित 55.44 करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस। और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हज़ार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसीडेटे स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस सुवाय और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हज़ार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस। और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के, के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसीडेटे और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के, के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस सुवाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसीडेटिक्स और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के, के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस सुवाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हज़ार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस। और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हजार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसीडेटे स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसिडेटिक्स स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हज़ार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के, के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसिडेटिक्स स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक इसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसीडेटे और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसिडेटिक्स स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस। और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के, के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसिडेटिक्स स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो हज़ार बीस को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि छपाक जिसका अनुवाद होता है इस प्लेस सुवाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो छत्तीस करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन पॉइंट फोर फोर करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो हज़ार उन्नीस तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस एसिडेटिक्स स्वाई और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित 2020 की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फ़िल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित 55.44 करोड़ रुपए का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून दो तक नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में दस जनवरी दो को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल की और एक नई वीडियो में दोस्तों इस मूवी रिव्यू की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छपाक मूवी की जी हाँ छपाक मूवी में कौन कौन से एक्टर्स और हीरोइंस ने काम किया है और किस तरीके से ये मूवी हिट साबित हुई थी छपाक मूवी के निर्देशन किसने किया था छपाक मूवी की कमाई कितनी हुई थी और छपाक मूवी की लागत कितनी हुई थी इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके सारी जानकारी इसी के साथ छपाक मूवी अगर आप देखने आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए जानना आवश्यक रहेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँ कि छपाक जिसका अनुवाद होता है स्प्लेस और लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित दो हजार बीस की भारतीय हिंदी भाषा फिल्म की बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जी हाँ मेघना गुलदार द्वारा निर्देशित फिल्म में दीपिका पादुकोण विक्रांत मेसी और मधुरजीत सरगी के साथ अग्रवाल से प्रेरित एक चरित्र की प्रमुख भूमिका में है इसने पा दीपिका पादुकोण के निर्माण की शुरुआत की और पद्मावत 2018 के बाद से दो साल बाद अभिनय की वापसी की फिल्म की फॉक्स स्टार स्टूडियोज इस का प्रोडक्शन एवनर्स एवनर्स प्रोडक्शन और मृगा फिल्म्स द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किया गया था मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में आपको इसका निर्देशन जो है वो मेघना गुलजार के द्वारा किया गया है और अतिका चौहान और मेघना गुलजार के द्वारा इस फिल्म को लिखा गया है इसी के साथ दीपिका पादुकोण और विक्रांत मेसी इस फिल्म में आपको अभिनय करते हुए दिखेंगे ये फिल्म 10 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी फिल्म का समय 120 मिनट का है वहीं बजट जो है वो 36 करोड़ रुपए में इस फिल्म को बनाई गई थी विकिपीडिया के अनुसार और उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो अनुमानित पचपन करोड़ रुपये का हुआ था विकिपीडिया के अनुसार शूटिंग मार्च में जून 2019 तक तो नई दिल्ली और मुंबई के आसपास स्थानों में हुई दुनिया भर में 10 जनवरी 2020 को सुनी सिनेमाघरों में सभी सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज़ कर दिया गया था और इस फिल्म काफ़ी ज़्यादा